देख सकते हैं मैं पहुंच गया हूँ बीएमसी की हेडक्वार्टर्स पे और यहाँ पे हम सामने खड़े हैं द ग्रेट बीएमसी हेडक्वार्टर्स के एंट्रेंस पे और ये है गेट नंबर 2 एंड दिस इज द बीएमसी हेडक्वार्टर्स जिसने 128 साल के बाद अपने दरवाजे खोले हैं और ये सामने हमारे सामने एक बीपी का स्टेशन है। ये बीएमसी का हेडक्वार्टर्स जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वेरी ह्यूज बिल्डिंग और मेरे पीछे जो है वो है वीटी स्टेशन। तो आप लोगों को यहाँ से बता देते हैं ये है वीटी स्टेशन। हम लोग यहाँ पे है अंदर बीएमसी हेडक्वार्टर्स के एंड डेफिनेटली द टूर इज गोइंग अमेजिंग। कैन यू सी द डोम ओवर हियर जो कि पीछे एक डोम है जो कि सामने से भी विजिबल है। वो हमें हमारे टूर गाइड ने बताया कि इट वाज यूज एज अ वाटर टैंक। जी आपने सही सुना, ये एक वाटर टैंक के थ्रू यूज़ हुआ करता था जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता था। और अभी जो कि ये टैंक अभी जो कि बिल्डिंग ये काफ़ी पुरानी हो गई है तो ये ज़्यादा पानी स्टोर नहीं कर सकता। तो फिर हमारे नीचे जो कि प्लेटफॉर्म दिख रहा है वहाँ पे एक उन्होंने एक वाटर टैंक बना दिया है। सो दैट वाज द वे ऑफ कैमोफ्लाजिंग इट। सो दे यूज्ड टू कैमोफ्लाज द वाटर टैंक्स इनटू डोम्स। द पार्टी विंग, तो यहाँ पे इन सब जैसे कि आपने पहले भी देखा ये सारे पार्टीज़ की पॉलिटिकल पार्टीज़ की ऑफिस है यहाँ पे। एंड पीछे हमने देखा शिवसेना की ऑफिस, यह वी सॉ द भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस
अभी हम आगे जा रहे हैं एंड यू वी हैव द ऑफिस ऑफ समाजवादी पार्टी मूविंग अहेड. अभी हमारी टूर बहुत आगे चली गई है तो वील दिस राश अप एंड आई विल गिव यू ऑल सम अपडेट्स लेटर. यू वी हैव द कांग्रेस पार्टी इज दिस थिंग ऑफिस. Where the mayor sits, and this is something very amazing. We are in the corporator hall. So यहाँ पे जैसे कि एक शहर का पार्लियामेंट हो गया है. Now we are at the deck. तो ये है बी एम सी का डेक और हमारे गाइड ने हमें बताया कि यहाँ पे जब भी किसी को भी कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी तो यहाँ से उन्हें दी जाती थी. दिस इज द प्लेस. We have come at the committee room. तो यहाँ पर जो भी major discussion होता है वो यहाँ होता है. मेरे पीछे as you can see तो मेरा जो tour है वो वहाँ पर है and this is where the discussion happens. यहाँ पर major discussions होते हैं, meetings होती है, जैसे कि 2611 के time पर हुआ होगा, जैसे कि Mumbai floods के time पर हुआ होगा. Narrow staircase, you can see, and we are on the upper side of the dome. This looks so amazing. One of the most beautiful domes in all of Bombay, and it has been lit up only for us. So we look at it. So our tour guide tells us, जो कि ये gold जो दिख रहा है आपको इसके ऊपर, ये इसे gilding कहते हैं.
and it is 100% 24 karat gold. चलिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यू कैन कमेंट डाउन बिलो. आप मुझे बता सकते हो कि आपको कौन सी नई नई जगह है जो देखनी है, जो कि एक्सप्लोर करनी है पैंडेमिक के टाइम पे. टिल देन स्टे सेफ.